हेलो यौमे आजादी की तमाम तर रौनकों जज्बों और खुशियों को लिए ऑल सिंध वकारे आजादी 2023 नेशनल सॉन्ग सिंगिंग कंपटीशन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान महनूर मकसूम और मैं हूं मुकद्दस अराइन और हम दोनों आपको वकारे आजादी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। मुकद्दस आपको पता है इस बात का कि वकारे आजादी नेशनल सॉन्ग सिंगिंग कंपटीशन हम सब का हमेशा से बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम रह चुका है। भाई जाहिर है, क्यों ना हो, क्योंकि यही मिली नगमे सुनकर हम परचम लहराते हुए बड़े हुए हैं और एक अलग ही खुशी और हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हमारे साथ ग्रैंड फिनाले में 11 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, लेकिन एक सेकंड, हमेशा तो 10 होते हैं, इस दफा 11 होने की कोई खास वजह? भाई मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जेम्स टीवी अपना 11वां वकारे आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसी खुशी में हमने सोचा कि क्यों ना और टैलेंट को मौका दिया जाए, तो इस बार हमने 10 की जगह 11 पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया है। तो ये 11 पार्टिसिपेंट्स, मैं आप सबको बता दी चलूँ कि ये 11 पार्टिसिपेंट्स पूरे सिंध से 72 आवाज़ों में से सिलेक्ट होकर आज ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म करेंगे, और ये बात अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भाई जाहिर सी बात है, इतने सारे लोगों में से सेलेक्ट होकर यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कॉम्पिटिशन के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस और इसके साथ साथ जो हमें लाइव देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस कॉम्पिटिशन को लेकर। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक्साइटेड हैं या नहीं है कैसे पता चलेगा? शोर तो बिल्कुल नहीं आ रहा कहीं से भी, पीछे से भी सब हाथ तो लहरा के दिखाएं कि कौन कौन मौजूद है यहाँ। अभी मुकाबला बढ़ेगा तो आप देखती जाएंगी कि ये लोग बैठ नहीं पाएंगे। देखते हैं, पढ़ते हैं अपनी ज्यूरी के तारुफ की जानिब। हमारे पहले जज जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वो हैं सर शाहिद मियां दाद। सर पिछले 30 साल से बैस गिटारिस्ट रह चुके हैं और आकाश बैंड को लीड करते उनके रूह रवा हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफिसर हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हमारे हैदराबाद का एक मशहूर नाम सर, हम आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। दूसरे जज जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वो मौसीकी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर जुल्फिकार अली कुरैशी। सर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अपने नाम कर चुके हैं और पाकिस्तान के पहले म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं। सर हम आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और इसी के साथ साथ जो तीसरे जज हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है सैयद शुजात अली तालिब, जो कि हैदराबाद के बहुत ही मशहूर शायर हैं, और इसके साथ साथ वो जेम्स टीवी में बहुत से होने वाले प्रोग्राम्स में एज अ जज भी रह चुके हैं, और इसके साथ साथ वो टेप्स कॉलेज में उर्दू लेक्चरर भी हैं। सर हम आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं, बहुत खुश आमदीद कहते हैं। बढ़ते हैं रूल्स और रेगुलेशंस की जानिब। पार्टिसिपेंट्स इन चंद बातों का खास ख्याल रहे कि आपकी मार्किंग के कुछ क्राइटेरियाज हैं। आवाज़ और सुरों के अलावा बैंड के साथ आपकी सिंक्रोनाइजेशन, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और आपका तलफ़ुज़ भी देखा जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरा रूल ये है कि आपको दो अशार से ज़्यादा गाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, और इसके साथ क्योंकि 14 अगस्त का मौका है तो अस्करी नगमे बिल्कुल शामिल नहीं किए जाएंगे। आई होप वी आर ऑल क्लियर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बढ़ते हैं अपनी पहली परफॉर्मेंस की जानिब। हमारी पहली परफॉर्मर ने जिस नगमे का इंतखाब किया है उसका नाम है वतन की मिट्टी गवाह रहना। ये नीली नगमा नयरा नूर साहिबा की आवाज़ में 1992 में नशर हुआ। पेश करने आ रही हैं आप सबकी भरपूर तालियों में फरीहा अली। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम Thank you.
प्रोग्राम के एंड तक खुली हैं और वो अपने फेवरेट पार्टिसिपेंट्स को वोट करें और इसके साथ साथ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी हम आप हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं अपनी ऑनेस्ट रिव्यूज से हमें आगाह कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए हमारे पार्टिसिपेंट ने जिस मिली नगमे का इंतखाब किया है वो है तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। तो भाई मिली नगमा जब ऐसा है कि तेरा पाकिस्तान है और मेरा पाकिस्तान है तो बताएं किस किस का पाकिस्तान है ये। जबरदस्त। बस इसी तरीके से आप लोगों ने हमारे पार्टिसिपेंट को कॉन्फिडेंस देते रहना है क्योंकि ये भी आप लोगों के वोट पर है। यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, ये गाना सुहेल राणा की बेहतरीन कॉम्पोजिशंस में से एक है और अमजद हुसैन साहब की आवाज़ में पीटीवी से 1985 में नशर हुआ। आप सबकी भरपूर तालियों में हमाद अली। सरहद की जमी पंजाब जिस
वो जान है, इस पे भी कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। This is me, Abdul Fatir Zubairi, and I'm going to perform at the biggest stage of All Sin Waqare Azadi. Watch me live on Gems TV. ग्यारहवा कुलसिन वकार आज़ादी 2023 में मैं अब्दुल मुसव्वर यासीन हुसैनी खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान को अपनी सुरीली आवाज़ में। अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं हूँ बुशरा शेख, अपने अल्फाज और ख्यालात से मैं करूँगी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार ऑल सिंध वकारे आज़ादी 2023 में ओनली ऑन जेम्स टीवी। अदब जिंदगी की एक बामानी सरगर्मी है, जिंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर आगही है, फनी फिक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी जिंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिला। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल ना रहेगा। मैं कहता हूँ कि जिंदगी की मानवीयत खत्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नसर कम वक्त में ज्यादा शऊर हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी जुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी जिंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज्यादा ताल्लुक है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके शौक को अपनी नजर में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। This is me, Abdul Fatir Zubairi, and I'm going to perform at the biggest stage of All Sin Waqare Azadi. Watch me live on Gems TV. मेरी जान
ग्यारहवा कुलसिन वकार आज़ादी 2023 में मैं अब्दुल मुसव्वर यासीन हुसैनी खराज तहसीन पेश करूँगा पाकिस्तान को अपनी सुरीली आवाज़। अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं हूँ बुशरा शेख, अपने अल्फाज और ख्यालात से मैं करूँगी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार ऑल सिंध वकारे आज़ादी 2023 में ओनली ऑन जेम्स टीवी। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। मैं आफाक नबी, मैं अपने प्यारे वतन से मोहब्बत का इजहार करूंगा वकार आज़ादी 2023 में। तुयूर सोच रहे हैं शजर के बारे में, मैं हंजला अरशद इस 76वें यौम आज़ादी के मौके पर करूंगा इस मौजूए सुखन पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार। तो इस 76वें यौम आज़ादी के मौके पर देखना मत भूलें वकार आज़ादी स्पीच कंपटीशन 2023 सिर्फ और सिर्फ जेम्स टीवी। बहुत ही जबरदस्त आवाज में हमाद अली ने परफॉर्म किया। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। हमारी अगली परफॉर्मर ने जिस मिली नगमे का इंतखाब किया है वो हमें कायदे आजम की अनथक कोशिशों की याद दिलाता है। नगमे के बोल हैं, ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। ये नगमा 1956 में फिल्म बेदारी में मुनव्वर सुल्तान की आवाज में नशर हुआ और अब इसे पेश करने आ रही हैं लाइबा अली। क्यों दी हमें आजादी ये दुनिया हुई हैरान।
आपका। हेलो, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ में लाइबा शेख ने, लाइबा अली ने परफॉर्मेंस दी। और इसके बाद हम अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हर परफॉर्मेंस के बाद इतना इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये कॉम्पिटिशन। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सब भी इंजॉय कर रहे हैं जितना हम लोग बैक स्टेज कर रहे हैं। उस वक्त तो बिल्कुल लहरा, मतलब आप सब लोग बैठे हुए थे। आप लोग प्लीज जब परफॉर्मेंस चल रही हो तालियां बजाते रहे, अप्रिशिएट करते रहे हमारे पार्टिसिपेंट को, ताकि उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता जाए। बिल्कुल, हमारे अगले पार्टिसिपेंट जो नगमा परफॉर्म करने आ रहे हैं, वो पाकिस्तान को शुक्रिया कहने आ रहे हैं। नगमे के बोल हैं, शुक्रिया पाकिस्तान, जो राहत फतेह अली खान की आवाज में 2016 में रिलीज हुआ था। आप सबकी भरपूर तालियों में ऋषि अल्ताफ। शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस की जानिब।
उनके नगमे के बोल हैं मेरे वतन ये अकीदते। ये मिली नगमा ओरिजिनली तो अताउल्लाह ईसा हिलवी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ, मगर 2016 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट हमाद अली ने इसे बहुत ही खूबसूरती से कवर किया। पेश करने आ रही है सबा नाज। नशर हुआ
नगमे के बोल हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के, और इसे पेश करने आ रहे हैं अब्दुल मुसव्विर। पास वाइस के
वापस वाइस के ये चमन तुम्हारा है तुम नगमा इसके सो मच। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, क्या खूबसूरत समा बांधा है अब्दुल मुसव्वर ने। बहुत बहुत ऑडियंस में जान आ गई है, जान आ गई वाकई। तो अब अपनी अगली शरीके मुकाबला की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने पेश करेंगी रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए हैं। ये नगमा मलकर तरन्नुम नूर जहां की आवाज में नशर हुआ आप सबकी भरपूर तालियों में। अफशा हाशी हाशी
हमारे अगले शरीके मुकाबला ने मारूफ गुलूकार शफकत अमानत अली खान का गाना सेलेक्ट किया है, जिसका नाम है हमारा पाकिस्तान, जो 2018 में रिलीज किया गया। Give him a big round of applause, guys. आफाक नबी। पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशानी हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशानी हमारा पाकिस्तान। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से हमको, नहीं मिलने देंगे धरती से हमको। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान हमारा पाकिस्तान। बताएं तो मंजिल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है। परचम उठाए हुए हम खड़े हैं, प्यारा वतन से तो कुछ भी नहीं है। सदा पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशानी हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशानी हमारा पाकिस्तान। रोशन हो हर सोच, खुद पर यकी हो, कल आए जो आज से भी हसी हो। अभी और आगे अभी पास है, जो मिलकर चले तो बना पतला है। जो मुश्किल से मिलके गुजारे पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशानी हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशानी हमारा पाकिस्तान। What a power pack performance that was! मुकाबला तेजी से अपने अख्तिताम की तरफ गामजन है और हम देख रहे हैं कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रही है।
व्यूअर्स अपने वोट्स का सही इस्तेमाल कीजिए और हकदार शरीक के मुकाबला को जीत के करीब लाएं, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी वो आपके वोट्स और जजेस की जजमेंट को मिलाकर ही अनाउंस की जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ, और जो हमारे अगले परफॉर्मर हैं उन्होंने जिस मेरी नगमे का इंतखाब किया है उसका नाम है, इसका नाम है हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, और इसे पेश करने आ रही है नयाब अली।
वतन प्यारे वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन नजर नहीं आए कैमरे में, ब्रेक लो भी, इसके बाद ब्रेक लो, ये लास्ट वाला है ना, इसके बाद ब्रेक लो, फिर उसके अंदर दरमियान में करवाना मैं कर लूंगा। हाँ शायद भी क्या बेटा है? ये नगमा शहनाज बेगम की खूबसूरत आवाज में नशर हुआ, इसे पेश करने आ रही हैं आयशा शेख। Thank you.
जी तो मुकद्दस, हमारा प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है और हमने तो बहुत इन्जॉय किया, हमारी ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया और उम्मीद है हमारे व्यूअर्स ने भी उतना ही इन्जॉय किया होगा। लग नहीं रहा देखकर, वैसे लग ही नहीं रहा कि इन्जॉय किया। आप सबसे मिलते हैं एक से ब्रेक के बाद। This is me, Abdul Fatih Zubairi, and I am going to perform at the biggest stage of All Sin Vakare Azadi. Watch me live on James TV. ग्यारहवां कुल सिंध वकार आज़ादी 2023 में मैं अब्दुल मुसव्वर यासीन हुसैनी खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान को अपनी सुरीली आवाज़। अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं हूँ बुशरा शेख, अपने अल्फाज और ख्यालात से मैं करूँगी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार ऑल सिंध वकार आज़ादी 2023 में ओनली ऑन जेम्स टीवी। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। मैं आफाक नबी, मैं अपने प्यारे वतन से मोहब्बत का इजहार करूंगा वकार आज़ादी 2023 में। तुयूर सोच रहे हैं शजर के बारे में। मैं हंजला अरशद इस 76वें यौम आज़ादी के मौके पर करूंगा इस मौजूए सुखन पर अपने जज्बात और एहसास का इजहार। तो इस 76वें यौम आज़ादी के मौके पर देखना मत भूलें वकार आज़ादी स्पीच कंपटीशन 2023 सिर्फ और सिर्फ जेम्स टीवी पर। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। आइए मनाएं वकार आज़ादी सिर्फ जेम्स टीवी पर। फातिमा खान अपने अल्फाज के जरिए करूंगी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार ऑल सिंध वकार आज़ादी 2023 में। देखते रहिए जेम्स टीवी। This is me, Abdul Fatih Zubairi, and I'm going to perform at the biggest stage of All Sin Vakare Azadi. Watch me live on James TV. Pa
ग्यारहवा कुलसिंद वक़ार आज़ादी 2023 में मैं अब्दुल मुसव्विर यासीन हुसैनी खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान को अपनी सुरीली आवाज़। अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं हूँ बुशरा शेख, अपने अल्फाज और ख्यालात से मैं करूँगी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार ऑल सिंध वक़ार आज़ादी 2023 में, ओनली ऑन जेम्स टीवी। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। मैं आफाक नबी, मैं अपने प्यारे वतन से मोहब्बत का इजहार करूंगा वक़ार आज़ादी 2023 में। तुयूर सोच रहे हैं शजर के बारे में। मैं हंजला अरशद इस 76वें यौम आज़ादी के मौके पर करूंगा इस मौजूए सुखन पर अपने जज्बात और एहसास का इजहार। तो इस 76वें यौम आज़ादी के मौके पर देखना मत भूलें वक़ार आज़ादी स्पीच कॉम्पिटिशन 2023 सिर्फ और सिर्फ जेम्स टीवी पर। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। आइए मनाएं वक़ार आज़ादी सिर्फ जेम्स टीवी पर। जिंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। जिंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है, फनी फिक्री और जमालियाती जहते क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी जिंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अकीक अहमद जिला। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल न रहे। मैं कहता हूँ कि जिंदगी की मानवीयत खत्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नसर कम वक्त में ज्यादा शऊर हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी जुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी जिंदगी में वालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज्यादा ताल्लुक है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके शौक को अपनी नजर में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। या सालिक अजीजी कहते हैं कि मुतमईन हो गए तुम मेरे लबों को सीकर, ये न सोचा मेरी आंखों में भी गोयाई है। या जाजिम मुख्तार कहते हैं कि बना के रास्ता दिल की गली में तुम आए, कोई ना आया मेरी जिंदगी में तुम आए। या अकबर मासूम कहते हैं कि बाहर आते हैं आंसू अंदर से, जाने अंदर कहां से आते हैं। और अनवर बरेलवी कहते हैं कि जो अपना जज्बा मिसाले फरहाद मानते हो तो आजमा लो, पहाड़ ये है
कुदाल ये है। और इफ्तिखार अंजुम कहते हैं कि मैं फासले दश्तो चमन तुमको बताऊं, बस जुम्बिश यकाम इधर से है उधर तक। या अतीक जिलानी कहते हैं कि मेरे अहबाब सलामत रहे दायम, लेकिन साफ कहता हूं कि दो चार से खौफ आता है। या सईद दोषी कहते हैं कि क्यों करता है कम जरफों से तू तकरार समंदर, जैसे गुजरे खामोशी से वक्त गुजार समंदर। ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आंखें, जैसे कोई देख रहा हो पहली बार समंदर। और हमारे मुर्शिद जॉन एलिया फरमाते हैं कि जब भी आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और शुजात तालिब कहते हैं कि कोई रोटी लिए उनके घर आएगा, भूखे बच्चे इसी आस पर सो गए। शौकत नवीद कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल मिला जिनको कुव्वत का सबक, घर में दीवार उठाते हुए मर जाते हैं। तुमने आंगन के हरे पेड़ को ईंधन समझा, हम परिंदों को उड़ाते हुए मर जाते हैं। और फारूक मुगल कहते हैं पेड़ तो कट भी गया फिर भी नहीं। This is me, Abdul Fatih Zubairi, and I am going to perform at the biggest stage of All Sin Waqare Azadi. Watch me live on Gems TV. ग्यारहवा कुलसिन वक़ार आज़ादी 2023 में मैं अब्दुल मुसव्विर यासीन हुसैनी खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान को अपनी सुरीली आवाज़। अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं हूँ बुशरा शेख, अपने अल्फाज और ख्यालात से मैं करूँगी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार ऑल सिन वक़ार आज़ादी 2023 में ओनली ऑन जेम्स टीवी। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान। मैं आफाक नबी, मैं अपने प्यारे वतन से मोहब्बत का इजहार करूंगा वक़ार आज़ादी 2023 में। तुयूर सोच रहे हैं शजर के बारे में, मैं हंजला अरशद इस 76वें यौम आज़ादी के मौके पर करूंगा इस मौजूए सुखन पर अपने जज्बात और एहसास का इजहार। तो इस 76वें यौम आज़ादी के मौके पर देखना मत भूलें वक़ार आज़ादी स्पीच कॉम्पिटिशन 2023 सिर्फ और सिर्फ जेम्स टीवी पर। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। आइए मनाएं वक़ार आज़ादी सिर्फ जेम्स टीवी पर। फातिमा खान अपने अल्फाज के जरिए करूंगी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार ऑल सिन वक़ार आज़ादी 2023 में, देखते रहिए जेम्स टीवी।
This is me, Abdul Fatir Zubairi, and I'm going to perform at the biggest stage of All Sin Waqare Azadi. Watch me live on Gems TV. Your country provided you with place to feed, grow, and run the race. Faith, unity, discipline is safe, happiness, joy, and progress on your face. नौजवान मुकर्रीन हो जाएं तैयार, क्योंकि जेम्स टीवी पर होने जा रही है लफ्जों की तकरार, तो देखना ना भूलें. The words war. क्योंकि जैसे हम लोग बोल सकते हैं वैसे कम लोग बोल सकते हैं. Your country provided you with place to feed, grow, and run the race. Faith, unity, discipline is safe, happiness, joy, and progress on your face. नौजवान मुकर्रीन हो जाएं तैयार, क्योंकि जेम्स टीवी पर होने जा रही है लफ्जों की तकरार, तो देखना ना भूलें. The words war. क्योंकि जैसे हम लोग बोल सकते हैं वैसे कम लोग बोल सकते हैं. Your country provided you with place to feed, grow, and run the race. Faith, unity, discipline is safe, happiness, joy, and progress on your face. नौजवान मुकर्रीन हो जाएं तैयार, क्योंकि जेम्स टीवी पर होने जा रही है लफ्जों की तकरार, तो देखना ना भूलें. The words war. क्योंकि जैसे हम लोग बोल सकते हैं वैसे कम लोग बोल सकते हैं. Your country provided you with place to feed, grow, and run the race. Faith, unity, discipline is safe, happiness, joy, and progress on your face. We welcome you after the break. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट इंजीनियर सर साविर हुसैन कायम खानी यहाँ पर मौजूद हैं. सर, वी वुड लाइक टू कॉल यू ऑन स्टेज, प्लीज आप आके अपने प्रोग्राम के लिए अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए. आप सबकी भरपूर तालियों में. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. वक़ार आज़ादी, जश्न आज़ादी के नस्बत से आज इस प्रोग्राम में मौजूद हम सब के मोहतरम काबिल कदर असाज़े कराम जो बैठे हैं, अतीक साहब, मेरे दोस्त बदरजा मोहतरम भाई कर्नल समी साहब, दीगर तमाम मोजेज़ीन, और यहाँ पे मौजूद जिन बच्चों ने परफॉर्म किया और उनके साथ हैं वे तमाम दूसरे बच्चे जो हैं नज़र आ रहे हैं, और वक़ार और उसकी पूरी टीम को, सबको अस्सलामु अलैकुम. एक तो मैं तसीह कर दूं, अब मैं आज से जो है मेरे साथ एक लाहका लग गया है कि एक्स एम एन ए, तो मैं सबका रुकन कौमी असेंबली हूं, और इंशाल्लाह तादम मर्ग ये मुझसे कोई टाइटल छीन नहीं सकता.
लेकिन हम सबका ये पाकिस्तान है, बड़ी कुर्बानियों के बाद बना, बड़ी कोशिशों के बाद बना, और इसके बनने में जो इसका बड़ा एक हमें मंजर जो नज़र आता है वो हिजरत का नज़र आता है। अच्छा, ये सब बातें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने इस बात की कदर नहीं की कि इस मुल्क के बनने में जो हिजरत का किरदार है, अगर वो ना होती तो शायद पाकिस्तान इस तरह इस सूरत में मौजूद भी नहीं होता। क्योंकि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने जब हिजरत नहीं हो रही थी, महाजरीन नहीं आ रहे थे, तो बाकायदा उनको कहा कि अगर नए बनने वाले मुल्क में आप लोग अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो मुल्क को चलाने वाला हमें कहाँ से मिलेगा। हम हमारे बड़े आए यहाँ पर, यहाँ वालों ने हमें कुशादा दिली से, चाहे कहा जाता है सिंध में ज़्यादा हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में महाजरीन गए मौजूद हैं, वहाँ के लोगों ने कुशादा दिली से उनको खुश आमदीद कहा। लेकिन उसके बाद हमारे मुल्क को, क्योंकि इस मुल्क का बनना ही एक बड़ी अल्लाह ताला की अता थी, वो इसलिए कि अगर आप इसके बनने की तमाम चीज़ें देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसको बनने के लिए एक जदोजहद तो थी, लेकिन कायदे आज़म की फहम व फरासत ने जिस तरह टेबल टॉक के साथ, गुफ्त व शनीद के साथ मजबूर कर दिया अंग्रेज़ों को कि वो यहाँ से छोड़कर जाएं और पाकिस्तान बना के जाएं, तो उसको हम अगर समझते हुए अपने मुल्क के हालात को देखें तो साफ पता चलता है कि आज जो हमारे हालात हैं उसमें हमारा किरदार तो कहीं ना कहीं होगा, हमारी कोताहियाँ भी होंगी, हमारे जो फ़राइज़ हमें अदा करने हैं वो भी होंगे, लेकिन यकीन जानिए इसमें बाहर के लोगों का, बैरून मुल्क की साजिशों का बड़ा हाथ है। हमें आज भी ये समझना चाहिए कि इस मुल्क को जिस मकसद के लिए बनाया था, इसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, उनको हमें याद करना है। जैसे आज ही मैं कहीं सुन रहा था कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से पाँचवा बड़ा मुल्क बन गया है, तो इसको हम क्यों नहीं अपनी ताकत बनाते। पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा नौजवान तबका है, उसको हम क्यों नहीं अपनी ताकत बनाते। हमें सिर्फ एक मौका चाहिए, और वो मौका ये होना चाहिए कि यहाँ के हर नौजवान को बराबर की बुनियाद पे वो तमाम चीज़ें मैसर हों जिसकी वो अपनी सलाहियतों का इजहार करते हुए आगे बढ़े। हम कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। वैसे तो हैदराबाद के नुमाइंदे के बहुत सारी चीज़ें हमने की, लेकिन जिस चीज़ पे मुझे फ़ख्र है अभी भी, वो एक तो गवर्नमेंट कॉलेज फुलेली को यूनिवर्सिटी के लिए उसकी रेजोल्यूशन लाना, पास करवाना, एक्ट पास करवाना, फिर MNA बनने के बाद उसके लिए फंड लाना, उससे भी बढ़कर अभी जो फेडरल इंस्टीट्यूट हैदराबाद में जो बनने जा रहा है, जिसका रेक्टर भी अपॉइंट हो गया है, और जो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, तो वो चीज़ें हैं कि जो हमें हैदराबाद के लिए ज़रूरत थी, यहाँ के बच्चों की ज़रूरत थी। अब हम ये चीज़ें तो ले आए, इससे फ़ायदा कौन हासिल करेगा? आने वाली दुनिया में मुकाबला टेक्नोलॉजी का मुकाबला है, आने वाली दुनिया में मुकाबला पहले कभी जंगों में बमों का, हथियारों का, अफवाज का होता था, आज का मुकाबला जो है टेक्नोलॉजी का मुतालबा है। और जान के मान पाऊँ, कर्नल साहब भी बैठे हैं, और हमें कोई खौफ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सारी फौज और ये कर्नल और जर्नेल बनते ही हम में से हैं। उसके बनने के लिए पहली शर्त ये है कि वो पाकिस्तानी हो, अगर पाकिस्तानी नहीं है तो कोई नहीं बन सकता। लेकिन वकार भाई के किसी ने वो कहा कि अभी हम जो करेंगे मुकाबला, क्योंकि जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है तो मिली नगमों का होगा, फौजी तरानों का मुकाबला नहीं होगा, तो किसी दिन फौजी तरानों का मुकाबला भी वकार भाई ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मिली नगमों में जिन बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, यकीन करें उनके बोल हमारे दिलों की आवाज़ थे। जीत हार तो किसी की होगी, और तकारीर में हमने जो सुना, लुत्फ लिया, बच्चों का जज्बा देखा, उसका कोई भी उसका बदल नहीं है। और जो यहाँ कंपेयरिंग कर रहे हैं, और जो पूरी टीम है, मैं वकार भाई को इतनी अच्छी महफिल सजाने पे मुबारकबाद दूंगा, और आइए हम सब मिलकर कल का दिन जश्न आज़ादी मनाएं। और जश्न आज़ादी मनाने का ये तरीका भी ठीक है जो आपने बजा के दिखाई, बजाई नहीं शायद, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन कोई एक अहद भी तो करें कि हमने इस मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। जिसके पास जो सलाहियत है वो उसका इजहार करे, उसको आगे बढ़ाए,
आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक दिन नगमे गाए, एक दिन आपने जो है झंडे लहरा दिए, ये तो वो दिन है जो अपनी कौम को आगे ले जाने का आपने अपने अहद करना होता है। जिस दिन आपने अहद कर लिया, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान दुनिया में आला मुकाम पाएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। तो जी नाज़रीन, यहाँ हमारे दोनों कॉम्पिटिशन ख़त्म हो चुके हैं और अब बारी है, अब अगला सेगमेंट है रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का, जिसे कंटिन्यू करेंगी मुनीरा खान। इसी के साथ हमें, मुझे महनूर मकसूद और मुझे मुकद्दस अराई, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले वक़ार आज़ादी में, 12th वक़ार आज़ादी, वक़ार आज़ादी में। और रिजल्ट की अनाउंसमेंट से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। This is me, Abdul Fatih Zubairi, and I am going to perform at the biggest stage of All Sin Waqare Azadi. Watch me live on James TV. Hot segment, basically the result announcement segment, and you have enjoyed two competitions in front of you, speech and the national song competition. So have you enjoyed? Woo! लेकिन मैं चाहूंगी यहाँ पर एक जोरदार नारा होगा जिसकी वजह से मुझे ये पता चलेगा कि वाकई आपने enjoy किया है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये हुई ना बात, तो अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, और सबसे पहले तो हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त। और आप, हम कैसे भूल सकते हैं कि आप तमाम पार्टिसिपेंट्स ने हमारे जजेस को बड़ा टफ टाइम दिया है, तो हमारे जजेस के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो बेसिकली फॉर मी एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट इज द विनर, क्योंकि उसने आज इस स्टेज पर, मेगा स्टेज पर परफॉर्म किया है। तो मेरे नजदीक और हम सबके नजदीक आप सभी जो हैं वो विनर्स हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ। जबरदस्त हो गया ये तो, माशाल्लाह। और तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ठीक है भाई? तो ऐसे ही है कुछ, और चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। एज पर द रूल्स वी हैव विनर्स एंड रनर अप ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शील्ड्स एंड सर्टिफिकेट अमंग द जजेस एंड पार्टिसिपेंट्स, आई वुड लाइक टू कॉल अ पर्सन बिहाइंड ऑल दिस विजन, अ ट्रेनर, a mentor, a facilitator, the youngest voiceover artist who has recorded 26,000 ahadees in his voice, so one and only the chief executive officer, Mr. Waqar Ahmed Waqar. So welcome you on the stage. So we are having so many personalities which are coming on the stage for this distribution. Now I would like to call a lady, a passionate soul who is on her toes to run this channel, Gems TV, with a huge round of applause. Let's welcome the general manager of Gems TV, Miss Masooma Zahra. So ladies and gentlemen, as you have seen, Sir Sabir Hussain Kaimkhani Saab has joined us. He is the chief guest of this program. I would like to request Sir to please come on stage once again with a huge round of applause.
और अब मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से इनामात की तकसीम करें। और इन्हीं के साथ मैं गुजारिश करती हूँ सैफ मोहम्मद साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इनामात की तकसीम में अपना हिस्सा अदा करें। जो स्टेज पर आप सबको एक बहुत ही खूबसूरत बावकार शख्सियात नजर आ रही हैं, एक दफा फिर इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द शीट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द जजेस आर वर्दी एंड ऑनरेबल जजेस ऑफ स्पीच कॉम्पिटिशन। आई वुड लाइक टू कॉल फर्स्ट सर जुनैद इब्न सैफ टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड रिसीव योर शील्ड ऑफ एप्रिसिएशन। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए, मजा नहीं आएगा वरना ऐसे। वन टू एंड थ्री, वाह जबरदस्त। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ ग्रेसफुल लेडी मिस आयशा लाशारी टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड रिसीव योर शील्ड ऑफ एप्रिसिएशन। So she is there on a stage. I want your claps. So the last but not least, we are having Sir Saim Jamal to please come on a stage and receive your shield of appreciation. With your huge round of applause, Sir Saim Jamal. क्लैपिंग फिर गायब हो गई। हाँ ये हुई ना बात, मुझे भी तो हौसला चल है ना चाहिए, मैं कैसे कंपेयरिंग करूँगी आपके हौसलों के बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि हमारे तीनों जजेस स्टेज पर ही हमें ज्वाइन करें। और अब बारी है हमारे तमाम स्पीच के पार्टिसिपेंट्स की कि वो अपना अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। वी आर हैविंग फर्स्ट हसनैन अली। बहुत जबरदस्त। नाउ वी आर हैविंग अब्दुल गफ्फार दर्ज। Proceed to Minahil Khan. So we are having Shahbaz Sheikh. Shahzeb. Okay, Shahzeb Sheikh. Now Maaz Ali Nagar. The next participant, Hafiza Bushra Sheikh. Hanzala Arshad. Abdul Fatir Zubairi. तालियों में मजा नहीं है, जानदार तालियां नहीं आ रही आपकी तरफ से, ये हुई ना बात। नाउ वी हैव फातिमा खान। प्रोसीड टू जुरैब जुरैब एंड ऑल इन ऑल जुरैब। So the last participant of All Sindh Waqar-e Azadi speech competition, Owais Ali Qazi. I congratulate every single participants and I would like you all to please gather on a stage for the group photo. All speech participants, please gather on a stage for the group photo.
So join your hands for all the judges and the participants. So this is not the end. Abhi to sirf participants ko certificates distribute hue hain. What about the winner and runner-up of this competition? So are you waiting for this? So we are going to announce. So, ladies and gentlemen, any guesses for the runner-up? No guesses? Yes, kya? Abdul Ghaffar? Okay, so I'm going to announce the runner-up of speech competition, one and only Hasnain Ali. We really appreciate Hasnain. Among 11 participants, he has secured runner-up award. Very good. So the last but not least, the winner of All Sindh Waqare Azadi Speech Competition 2023, and the award goes to Awais Ali Qazi. Woo! Speaker of the Year 2023 Waqare Azadi. Wow, well done. Once again, give him a big round of applause. Thank you so much to all the judges of speech competition 2023. And this is only the one competition we have completed. Now the national song competition is remaining. So picture abhi baki hai. Aur hum yahan se badhte hain apne national song competition ke result announcement ki taraf. And first of all, for the shield distribution among the worthy judges, I would like to request Shahid Miadad to please come on stage and receive your shield of appreciation with your huge round of applause, ladies and gentlemen. Wow, aapki taaliyan ruki hui hain, ye kya baat hui? Ye cheez. The next judge with us, Sir Dr. Zulfikar Ali, please come on a stage and receive your shield of appreciation. Wow. So sari energies mujhe ladies ki nazar aa rahi hai. Gents ko kya ho gaya? Clapping nahi hai aapki taraf se? That's great. Now the third judge, I would like to call Sir Shujaat Ali Talib to please come on stage and receive your token of love. I request all the judges of National Song Competition to please stay on stage as we are having the certificate distribution among the participants. First, I would like to call Fariha Muhammad Ali. Great. Next, we are having Hamad Ali. Laiba Ali. Okay, just a minute, Laiba. Laiba Ali once again. Now we have Rishi Altaf.
अपनी ऑडियंस साथ लेकर आए ऋषि। सो वी आर हैविंग सबा नाज, आपकी तालियां। प्रोसीड टू अब्दुल मुसव्विर। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं हमारी ऑडियंस की, जहां जहां शोर हो रहा है ऐसा लग रहा है दे आर एक्सपेक्टिंग कि यही रनर और विनर अप होंगे। वाओ, सो वी आर हैविंग अफशा हाशमी कुरैशी। वाओ वाओ, नाउ वी आर हैविंग आफाक नबी। That's the spirit. Wow. Living souls. Lively souls I am seeing. Wow. Just clap for yourself too. We are having Nayab Khan. Here we have Naqi Ali Hashmi. We are having Aisha Shay. With your claps, Aisha Shay. So I would like to request all the participants to please gather on a stage for the group photo. Ladies and gentlemen, they want your appreciation. Good. Just show your certificates, everyone. Very good. You can go back to your places as we are having the announcement of runner-up and winner of All Sindh Waqare Azadi National Song Competition 2023. And the runner-up award goes to, any guesses? But we are having on the card, the runner-up award goes to Rishi Altaf. Wow, he wants your appreciation. Woo. Okay, basically there is the tie between the participants. Hum yahan se continue karte hain and we are having the runner up Musawir. So basically we are having Musawir with us. The runner up award goes to Musawir. Woo! चलो, सब्र का फल मीठा होता है शायद। ऋषि, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं?
So, ladies and gentlemen, we are having the winner of All Sindh Waqare Azadi. Okay, there is again the tie between the participants. Here we are just taking a very, very short break, and we are coming back after a short break to announce the results. Basically, the winner and winner-up of this competition, National Song especially. Just This is me, Abdul Fatir Zubairi, and I'm going to perform at the biggest stage of All Sindh Waqare Azadi. Watch me live on Gems TV. So after a short break, we are once again here, or the winner of All Sindh Waqare Azadi National Song Competition goes to Rishi Altaf. Woo! इसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होना. Wow! We really congratulate you, Rishi. Keep it up. So thank you so much. Thank you everyone. You can just go back to your places. Hamare tamam wo log jo asnaat ki taqseem kar rahe the, inke liye ek baar phir zordar taaliyan honi chahiye. And ladies and gentlemen, there is one more surprise for you all. Ek bahut bada surprise jo abhi tak disclose nahi hua hai. Any guesses? No, तो ये इंतजार की लज्जत बाकी रहनी चाहिए, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए सरप्राइज के साथ. Stay tuned on GEMS TV. Keep watching Waqare Azadi National Song and Speech Competition 2023. This is me, Abdul Fatir Zubairi, and I'm going to perform at the biggest stage of All Sindh Waqare Azadi. Watch me live on GEMS TV. ग्यारहवां कुल सिंध वकारे आज़ादी 2023 में मैं अब्दुल मुसव्विर यासीन हुसैनी खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान को अपनी सुरीली आवाज़. अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. मैं हूँ बुशरा शेख, अपने अल्फाज और ख्यालात से मैं करूँगी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार ऑल सिंध वकारे आज़ादी 2023 में, ओनली ऑन जेम्स टीवी. हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अमन का निशान ये हमारा पाकिस्तान. मैं आफाक नबी, मैं अपने प्यारे वतन से मोहब्बत का इजहार करूंगा वकारे आज़ादी 2023 में. आप लोग अगर बैठेंगे तो मजा आएगा. सबसे पहले
जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान में और वो भी हैदराबाद की नुमाइंदा शख्सियत, तो मैं कुछ मुख्तसर बातों के लिए कि आज की जजमेंट कैसे हुई और खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले खुलूस दिल से मधु करना चाहूंगा डॉक्टर जुल्फिकार अली कुरैशी साहब को कि तशरीफ लाए और आप सुनिएगा उनकी आवाज और आपको अंदाजा होगा कि आज के प्रोग्राम की जजमेंट किस लेवल पर हुई। माइक जुल्फिकार भाई, सर जुल्फिकार, छोड़ देता हूं, मैं चला जाता हूं नीचे, आप सुनेंगे तो मैं गाऊंगा और आप नहीं सुनेंगे तो कोई भी आ जाएगा और आप ताली भी नहीं बजाएंगे, आप ताली भी नहीं बजाएंगे, आप दाद भी नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सुनेंगे जब। और जितनी जितनी देर आप कहेंगे मैं उतनी देर ही बात करूंगा, आप मुझे ऐसी कह दी है। अब पहले जो एक गाने पर जो बहस हुई थी कि हमने ऋषि अल्ताफ को क्यों दिया अपना फर्स्ट, और दिस इज मी अब पाकिस्तान जिंदाबाद। यार तुम्हारा आवाज हिल जाएगा, आप गाने आए हो या इधर मजदूरी करने आए हो, आपने गाना है वोकल,
और उसमें शायरी को खूबसूरत कहना है, उसमें बदमाशी नहीं करनी आपको। बदमाशी आपको थोड़ी मैं करके दिखाऊंगा कि लफ्ज के साथ और सुर के साथ किस तरह से बदमाशी होती है। अब ये पहले कर लेते हैं, क्योंकि आपको बातें बुरी लगेंगी, क्योंकि म्यूजिक का प्रोग्राम है और बहुत सारी बातें सुनी आपको। ये सुनिए, मुकाबले वाले सब चले गए क्योंकि उनको इनाम मिल गया, तो फिर तो काम खराब हो गया। अब ये देखिए क्या हो रहा है। पहले आपको बताते हैं कि एक राग होता है जिसे कहते हैं भोपाली, ठीक है, क्योंकि ली पर मैंने जोर इसलिए किया कि भोपाल भी एक राग होता है। और अब ये सीरियस बात कर रहा हूं, एक हमारे यहां एक चीज गाई जाती है उसको कहते हैं ख्याल, तो उसमें सिर्फ दो लाइनें होती हैं, मतलब लफ्ज उसमें बहुत कम होते हैं, उसमें सिर्फ गाना होता है, सिर्फ गाना, यानी कि सिर्फ सुर, लफ्ज नहीं, उसमें लफ्ज सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन जब आप मिल्ली नगमा, कौमी नगमा, गज़ल, गीत, हमद, नात, मरसिया, मनकब, तो इस
अब आज इसमें कोई दूसरा राग मिलाएंगे तो आपने गालियां देना शुरू की म्यूजिक में। जैसे जैसे मैं आपको कहूं कि अगर अब मैं आपको डेफिनेशन सुना लूं म्यूजिक की, हम चार लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक, संगीत और मूसीकी। मैं दोनों को छोड़ देता हूं, उस पर एक घंटा बात हो सकती है, सिर्फ मूसीकी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के यहां मूसीकी उसके मजहब का हिस्सा नहीं है, चर्च का हिस्सा भी नहीं है, उनके यहां है, उनके यहां है, उनकी डेफिनेशन कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल, उनको कहा जाता है मुए मुबारक। लफ्ज है, बड़ा मशहूर लफ्ज है। मुंह कहते हैं बाल को और सी कहते हैं 38th पार्ट को, तीसवा हिस्सा। हम कहते हैं सिपारा, सिपारा के माने तीसवा हिस्सा, मुंह के माने बाल, सी के माने तीसवा। और की जो लफ्ज है ना, बाकी की, उस हिस्से को कहते हैं फारसी में, अरबी में, वो जो चीज रिमेनिंग बच जाए, की उसे कहते हैं। मुंह, सी, की, बाल का तीसवां हिस्सा मोटाई में, उसे मूसीकी कहते हैं। अब ये उस जमाने की डेफिनेशन है जिस जमाने में डिजिटल कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो बाल को आप तीसवें हिस्से में देखें तो आपको वो नजर नहीं आएगा। इसलिए हिंदुइज्म में मूसीकी ईश्वर को कहा जाता है, वो जो नजर नहीं आता, जो चीज नजर ना आए वो असर भी रखती हो, एग्जिस्ट भी करती हो और वो रिफ्लेक्ट भी करती हो, उसे मूसीकी कहते हैं मुसलमानों के यहां। तो इसलिए उसका असर होता है। और मैं क्योंकि कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूं, मास कम्युनिकेशन पढ़ाया है मैंने, तो म्यूजिक जिस तरह उर्दू जुबान है, सिंधी जुबान है, तो मूसीकी अपनी जगह पर जुबान है, तो इसमें गालियां भी होंगी, इसमें आयतें भी होंगी। हाँ, वो समझने वाले को अगर वो समझ नहीं है, वो बात दूसरी। ठीक, दोनों बातें होंगी। अब हम आपसे बात करने वाले हैं कि रिदम शायरी और एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये गजल सुनी हुई आपकी। अब पहले सुनिएगा कि एक आदमी का ताल्लुक जिस इलाके से होता है उसके बाद में रिदम वही होता है, उसकी बात में रिदम होता है। जिस तरह आप किसी का गाना सुनेंगे तो आप कहेंगे कि यार तुम, आप बलूचिस्तान से तो नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं, आप सिंध से तो नहीं, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं। तो एक बड़ी मशहूर गजल है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। मैंने कहा था कि आपने वाह नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सुनना है सिर्फ। आ रंजिश ही सही, सर ये रिदम सही है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। ठीक है, इसका रिदम ये है, धड़ दिख धड़ धक धड़ धक धड़ धागे रावड़ा टीकम द फावड़ा। इसका रिदम पश्तो है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, ता धक धड़ धक धड़ धक धड़ धक धागे रावड़ा टीकम द फावड़ा, अहमद फराज। हम म्यूजिक को, शायरी को कैसे देखते हैं, हम किस तरह देखते हैं। आप जब कहते हैं ना कि इसकी धुन बनाओ, तो हम उसको तोलते हैं, लफ्ज को तोलते हैं, सुर में, लय में, ताल में, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन कहां से शुरू होता है, चलें जी। अब ये जो राग है ये है एमन। एमन जो है वो राग है फारस का, ईरान का, और इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में आके, और ये काम किया हजरत अमीर खुसरो साहब। अब मैं छोटी सी लाइन बता दूं कि जब अकबर बादशाह साहब आए हुकूमत में, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो सारा हिंदू कल्चर है इसको हदीस कैसे बताएंगे। तो उन्होंने कहा मैं आपको बता देता हूं ये कैसे होगा, मैं शायरी करता हूं और उसको गवाते हैं तानसेन से। अकबर बादशाह का हुकुम हुआ तो ये अली मौला मौला कवाली उस दौर में आई, क्योंकि
कौल जो है फारसी में हदीस को कहते हैं, कौल यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, मन कुंतु मौला व हाजा अलीउन मौला, कि ये जो हदीस है इसको पहली दफ़ा, अब उस ज़माने में टेलीविज़न भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था और फेसबुक भी नहीं था, तो ये काम हुआ कहाँ पर, ये हज़रत जो हमारे हैं ये निज़ामुद्दीन औलिया, उस पर ये कवाली का काम शुरू हुआ। तो आप समझ लें कि ये एमन वहीं से इस्टेब्लिश हुआ, वो उसी में करें। अब ये सुनिएगा, ठीक है, क्या बात है। अब क्योंकि अगर इसको कहते हैं ना रंजिश, तो ये फटता है। एक्सप्रेशन क्या है, रंजिश सही, इसमें आधा शीन है, शीन आधा है, और इसमें एक लफ्ज है फिर। आप इंडियंस को सुनेंगे तो वो कहेंगे फिर फिर फिर, वो ऐसा नहीं कह रहे। देखिए आप आधी रे फिर नहीं है, छोड़ के ये छ आ रहा है, छोड़ के जाने के लिए फिर से मुझे, हेलो हेलो, फिर से ये तो हेलो। कभी कभी मैं दुआ करता हूं कि काश के लोगों को मौसीकी की जुबान आ जाए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके कितने सारे मसले आप खुद हल करने के काबिल हो जाएंगे अगर ये जुबान आपको आ जाएगी। मैं बात मौसीकी की कर रहा हूं, शोर की नहीं। काश के लोगों को मौसीकी की जुबान आ जाए। मैं बहरहाल आप लोगों की तफरीह तबा का सामान है शोर भी, तो मैं अब बुलाने जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत आवाज हैदराबाद की, हानी शाह।
हेलो, सबसे पहले तो आप तमाम को मेरा सलाम अस्सलाम वालेकुम। और अभी जिन्हें आपने यहाँ देखा वो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी हस्ती हैं, और जो म्यूज़िक लवर हैं स्पेशली वो इन्हें जानते हैं, और माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। तो मैं चाहता हूँ सर के लिए ज़रा ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू। और इन्होंने कहा था कि इनके लिए क्लैप नहीं क्योंकि वो बड़े लोग हैं, लेकिन अभी आपने सबने क्लैप करनी होगी ना। सयोने सयोने ये कि यहां आना पड़ेगा आपको, मैं भी आपके साथ हूं।
उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर सुबह गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, ईद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है उनकी आगोश बसर हो ये जरूरी तो नहीं। शेख सरकार जो मस्जिद में सुबह को सजदे उनके सजदों में सर हो ये जरूरी तो नहीं, कोई दिल में भी अरमान चला जाता है कोई टूटे हुए ओसान चला जाता है, हुस्न वालों से देखने वालों कई बार चला जाता है, आज की बात फिर नहीं होगी ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आए नजरों से बद नजरों से। अरे ऐसे मजा नहीं आएगा, 1 2 3 बद नजरों से अल्लाह बचाए, बद नजरों से अल्लाह बचाए, मेहरबानों से अल्लाह बचाए, नजरों से अल्लाह बचाए, मेहरबानों से अल्लाह बचाए, we'll be right back.
यू अनीस। अच्छा मुझे एक दोस्त की रिक्वेस्ट थी कि Oh,
शायद ये लास्ट है और Yeah.